हेलो व्यूवर्स, आज हम 250 ml कोकोनट हेयर ऑयल से मसाज करना देखेंगे। ये बॉटल बिल्कुल फुल है, इसका मैंने ऊपर से कैप निकाल दिया है ताकि मैं इजीली सर पर से पोर कर सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हेवी हेयर ऑयलिंग विद 250 ml कोकोनट ऑयल। मैंने पैराशूट का बॉटल लिया है और इसमें 20% एक्स्ट्रा भी है। पहले हम बॉटल से डाल लेंगे ऊपर, ऐसे हथेली से लाइटली टैप फॉर 2 to 3 minutes। ये रिक्वेस्टेड वीडियो है, स्पेशली बहुत सारे व्यूवर्स ने मुझे कमेंट करके पूछा है कि 250 ml कोकोनट ऑयल से मसाज करके दिखाएं। मैंने और ऑयल पोर कर दिया है और एक बार हम ऐसे टैप कर लेंगे। हम यहाँ पे सारे बाल को ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ पे एक जूड़ा बना लेंगे ताकि ऑयल सारा आकर यहाँ पे जूड़े में रुक जाए और ऑयल वेस्ट ना हो, अच्छे से रूट्स में एब्जॉर्ब हो जाए। इसलिए मैं क्या करती हूँ, अगर हेवी हेयर ऑयल करती हूँ तो जूड़ा बना लेती हूँ ऐसे। अब हम और ऑयल पोर करेंगे, आराम से धीरे से ऑयल डालेंगे तो बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन होता है, अच्छे से रिलैक्स फील होते हैं। इसे फिंगर्स की मदद से नीचे की ओर हम ऐसे ऐसे कर लेंगे ताकि ये अच्छे से सब तरफ स्प्रेड हो जाए, चले जाए। और ऑयल डाल देंगे। तो पाम्स की मदद से हम ऐसे हथेली से टैप कर लेंगे, चप चप भी कह सकते हैं आप इसे। बहुत हल्के हाथ से करना है, बहुत ज्यादा जोर से नहीं करना है। ऐसे हम 2 से 3 मिनट कर लेंगे सब तरफ। यहाँ बीच में डालेंगे और ऑयल डाल देंगे, धीरे से आराम से डालेंगे ऐसे ताकि वो धीरे धीरे फैल जाए सब तरफ। आराम से हल्के हाथों से हम इसे ऐसे करेंगे। अच्छे से सब तरफ ऐसे फैला दें। जूड़ा खोल देंगे। यहां भी ऐसे ही डाल देंगे तेल को। इसे फिंगर्स की मदद से ऐसे नीचे की ओर पुश करेंगे ताकि अच्छे से सब तरफ चले जाए, हर बाल को अच्छे से ऑयल लग जाए। यहाँ के बाल को हम ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ भी ऑयल डाल देंगे।
ऑलमोस्ट हाफ ऑयल हो गया है। अच्छे से हम भी इसे लगा दें। और ऑयल डाल देंगे। ऐसे लगाएंगे हम ऑयल को कि पूरे बाल जैसे गीले हो जाएं। हेवी हेयर ऑयलिंग करने के बहुत सारे फायदे हैं। वीकली वंस तो हमें हेवी हेयर ऑयलिंग करना ज़रूरी है। और ऑयल डाल देंगे। आराम से स्लोली सब तरफ डालें ऐसे। रुके 2 मिनट ताकि सब तरफ ऑयल अपने आप चले जाएं। अब हम हाथों को ऐसे रखेंगे और उंगलियों की मदद से हम कोम कर लेंगे। और ऑयल डाल देंगे। हथेली से टैप कर लेंगे हम 1-2 मिनट के लिए ऐसे। अब हम पिंचिंग स्ट्रोक्स देंगे जस्ट मैं क्लोज एंड ओपन कर रही हूं। सारे बाल को ऐसे ले ले और फिर से यहाँ पे जोड़ा बना दें। और ऑयल डाल देंगे। बाल को ऊपर की ओर ऐसे ले लेंगे हम। यहां पे हम उंगलियों की मदद से ऊपर की ओर ऐसे करेंगे। और थोड़ा बाल को हाई ले ले और ऊपर 3 फिंगर्स के ये जो टिप्स पॉइंट्स है इससे मैं प्रेशर देते हुए इसे ऐसे ले जा रही हूँ और यहाँ पे ऐसे प्रेस कर रही हूँ। ऐसे ले जाना है और यहाँ पे प्रेस करना है। इससे बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। मैंने कई सारे हेड मसाज करने के टाइम पे स्ट्रोक्स बताए हैं, मसाज करने के कई मेथड्स एंड वेज बताए हैं। अगर आपको जो उसमें इजी लगा आप उसे कर फॉलो करिए या ट्राई करिए और आपको जो फील हुआ मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए।
मैंने और भी बहुत सारे हेयर ऑयलिंग के वीडियोस बनाए हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा या आप मेरे चैनल पे विजिट करके भी देख सकते हैं, आई बटन से भी देख सकते हैं। तो प्लीज़ देखिए और कमेंट करिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इस तरह हम 2 से 3 मिनट तक करेंगे और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप लाइक करेंगे तो आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मुझे खुशी होगी कि मेरे वीडियो पे लाइक मिला है। ऐसे करने के बाद हम बाल को छोड़ देंगे। अब हम दो फिंगर्स बीच वाले लेंगे और यहाँ पे मैंने यहाँ पे मिडिल पार्ट कर दिया है, यहाँ से मांग निकाली है। ये मांग में हम फिंगर की मदद से ऐसे प्रेस करेंगे। ऐसे हम 2 से 3 मिनट तक करेंगे। अब पूरे तरफ भी हम जस्ट राउंड घुमाना और प्रेस करना है। राउंड प्रेस, राउंड प्रेस। आप 3 उंगली से 4 या 5, आपकी मर्जी, पूरे फिंगर्स को यूज करके भी आप ऐसे राउंड घुमाएं और प्रेस करें। सब तरफ हम ऐसे ही कर देंगे। जस्ट राउंड किया और प्रेस किया है मैंने। वीकेंड्स पर आप भी हेवी हेयर ऑयलिंग जरूर करें, उससे आपकी पूरी 1 हफ्ते की थकान दूर हो जाएगी। हम और ऑयल डाल देंगे और टैप कर लेंगे। और सब तरफ हम ऐसे कर लेंगे। मैंने हाथ को ऐसे रखा है और जस्ट पिंचिंग स्ट्रोक दे रही हूं मैं। आप सेल्फ भी कर सकते हैं या किसी की मदद अगर मिल गई तो आप उनसे भी कराएं। जिगजैग स्ट्रोक देंगे हम, जस्ट जिगजैग। यहाँ के बाल को हम ऐसे 2 में डिवाइड कर लेंगे और एक पर एक डालेंगे और ट्विस्ट कर लेंगे। इसका हम यहाँ पे जोड़ा बना लेंगे। बाल बहुत ज्यादा ड्रेंच हो गए हैं ऑयल से, और ऑयल डाल देंगे हम। ये जोड़ा मैंने इसलिए बनाया है ताकि जो भी ऑयल है इसमें आके रुक जाए, ना कि कपड़ों पर या यहाँ वहाँ गिरकर वेस्ट हो। सारा ऑयल डाल देंगे। 250 ml ऑयल सारा मैंने डाल दिया है। इनके बाल लंबे हैं तो 250 ml ऑयल भी इनके लिए ओके है करना, लेकिन बहुत ज़्यादा हेवी लग रहा है ये। अब हम इसको खोल देते हैं और ये सारे ऑयल को नीचे बालों में ले जाएंगे ऐसे। फिंगर्स की मदद से ऐसे अच्छे से कर लें। इससे ऑयल अच्छे से रूट्स तक जाता है और अच्छे से अपना स्कैल्प ऑयल को एब्जॉर्ब करता है। बाल को ऐसे ट्विस्ट करें और ऐसे लाइटली पुल करें।
सॉफ्टली हम ऐसे कर लेंगे बाल को। आप ऐसे फिंगर से ब्रशिंग की तरह या कोम्बिंग की तरह करने से बहुत सारे फायदे हैं, बाल अच्छे से ग्रो होते हैं और थिनिंग प्रॉब्लम चले जाती है, तो ज़रूर आप फिंगर्स की मदद से ऐसे करें। अच्छे से पूरे बाल गीले हो गए हैं ऑयल से। अब हम कॉम कर लेंगे। बाल को ऐसे पकड़े आप और ये नीचे की ओर। पहले ऐसे हम नीचे की ओर कॉम करने के बाद में तब ऊपर करेंगे, क्योंकि अगर पहले ही ऊपर करेंगे तो बाल झड़ने का प्रॉब्लम रहता है, हेयर फॉल होता है, बाल टूटते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयल है। इसलिए हम पहले नीचे की ओर अच्छे से करने के बाद में तब यहाँ पे ऊपर के बाल में करेंगे। ये हो गया है। अब हम मैंने बीच से मांग निकाल लिया है, इसे ऐसे अच्छे से कॉम कर लेंगे। अच्छे से कॉम्ब कर लेंगे। यहाँ पे एक रबर बैंड लगा देंगे। इसे थोड़ा ऐसे पुल करेंगे, कॉम कर लें। इसे हम दो में डिवाइड करेंगे और इसे ट्विस्ट कर लेंगे। ऐसा वाला जुड़ा ऑयली हेयर में अच्छा लगता है। एंड तक हम ऐसे ही कर लेंगे। यहाँ पे थोड़ा ऐसे घुमाएंगे और एक रबर बैंड लगा देंगे। इसे ऐसे घुमा देंगे।
इसे हम इसके एक के नीचे से डाल देंगे और ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ पे यूपेंस लगा देंगे। रबर बैंड लगा देंगे। तो व्यूवर्स, आपको ये हेयर ऑयलिंग वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।